जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज जी हम आपको सैर करवाने लेके जा रही हैं बहरिया की बहरिया ऑर्चर्ड, और हम लोग जा रहे हैं रिंग रोड से। ये आप देख सकते हैं, ये रिंग रोड का टूल प्लाजा है। तो यहाँ पर आपको 50 रुपीज़ या 40 रुपीज़ आपको पे करने पड़ते हैं ये एयरपोर्ट रोड से। तो आप उसके बाद रिंग रोड के ऊपर इंटर हो जाते हैं। तो आज फिर आप हमारे साथ रहिएगा। इसके साथ साथ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में लिखें कि आपको कैसा लगता है, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो ये देखें जब हम रिंग रोड के ऊपर आ चुके हैं, माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म का एक व्यू है। ये देखें जी, मैं फैमिली के साथ हूँ और मेरे साथ जी डॉक्टर हाशिर साहब मौजूद हैं, मेरा भांजा। तो हम लोग बहरिया ऑर्चर्ड फेस 4 और 2 का आज हम विज़िट करेंगे, और हम लोग जा रहे हैं जी रिंग रोड से। तो ये आपको पता चलेगा कि ये आप अगर रिंग रोड से इंटर होते हैं माल से, तो आपको कितना टाइम लगेगा। तो ये जी हमने अब ये स्टार्ट कर दिया, हम लोग इंटर हो चुके हैं। वेदर बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त किस्म का धूप निकली हुई है और व्यू भी बड़ा ज़बरदस्त है। तो जो लोग बाहर से आते हैं वो अगर इन दिनों में अगर वो विज़िट करें तो बहुत अच्छा है, खासतौर पर पाकिस्तान में। आजकल ये जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने बहुत अच्छे होते हैं वेदर के हिसाब से। तो चलें जी साथ रहिएगा। जी फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं कि रास्ते में जाते हुए आपको बहुत ज़्यादा जो है वो और भी जो हैं स्कीम है कि नहीं, वो जो लॉन्च हो रही है वो भी आपको नज़र आएंगी। सबसे मज़े की बात ये कि ये पूरा रिंग रोड का सफ़र है, ये वेरी स्मूथ है, बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर इतना ट्रैफिक का और जो फ्लो है वो इस तरह नहीं है जैसे अगर आप लोकल बना है लाहौर के बिल्कुल एक समझ लें कि मिडिल में लाहौर है, और ये पूरा रिंग जो है ना उसको उसने कवर किया हुआ है, ये रिंग रोड जो है। और ज़बरदस्त किस्म का आप समझ लें कि एक जो ये प्लान जो किया है हमारी गवर्नमेंट ने, वैसे तो ये नवाशिफ का था और ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है, लोगों के लिए बहुत सहूलत हो गई आने जाने के लिए। ब्रांच है रस्ते में आते हुए, और छोटे छोटे से आपको और भी रेस्टोरेंट मिलेंगे, कुछ ढाबे नज़र आएंगे आपको। रिंग रोड के ऊपर आप गाड़ी जो है वो आप जैसे आपको को पता है कि लॉ है कि आप यहाँ पर गाड़ी नहीं रोक सकते, तो साइड से आपको मस्ती रोड से आप रोक सकते हैं। भी सोसाइटी एक भी गुजरी है। जी फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप और डिफरेंट सोसाइटीज़ जो हैं वो आपको नज़र आ रही होंगी, कुछ यहाँ पर हैं। ज़बरदस्त किस्म का जो है राइड है वाली जी ये मेरे भाजे के साथ। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब थोड़ा सा प्लीज़ थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। क्या बताएं, आज हम जा रहे हैं बहरिया ऑर्चर्ड की तरफ, माशाल्लाह पूरी फैमिली जा रही है और हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। इंशाल्लाह विजिट करते हैं और आपको आगे बढ़ते गाइड करते हैं कि कहाँ की तरफ हमें जाना है, ठीक है? साथ रहिएगा हमारे। ये देखें जी, और भी डिफरेंट सोसाइटीज़ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो यहाँ पर
अगर इन्वेस्ट करते हैं लाहौर में तो काफ़ी अच्छा है। मैंने जो अभी तक जितने भी मैंने विज़िट किए हैं उसमें मैंने देखा कि ओवरसीज़ के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आप लोग यहाँ आएँ और हर चीज़ जो है ना, ये बहरिया वाले जो हैं, बहरिया हैं या और डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं, ये आपको अंदर ही हर चीज़, स्कूल और हॉस्पिटल, मॉस्क, ये सब चीज़ें आपको इनसाइड अंदर ही मिलेंगी। इनका जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का जो इनका सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। बाकी सबकी नस्बत जो है मैंने देखा है कि इनका बहुत अच्छा है। तो अभी जो नई जो सोसाइटीज़ लॉन्च हो रही हैं वो बहुत अच्छी हैं, उनमें काफ़ी अच्छा जो है ना। लेकिन दूर आपको नज़र आ रहा होगा ये घर भी कुछ बने हुए हैं। मैं सबसे छोटी हूँ। बाजी आप थोड़ा सा आप बताएंगी जी, मैं अपना तारुफ जी, बिल्कुल आप अपना तारुफ करवाएं। मैं हूँ शेफ रुबीना, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आप मुझे देखेंगे। मेरे जी हमारी जो बाजी है ना, थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई है, ये शेफ रुबीना जी हमारी यूट्यूबर है और बड़ी अच्छी इनकी जो है होती है, इनकी जो रेसिपीज आप फॉलो करते हैं माशाल्लाह काफ़ी फेमस है। और हम सब जो है ना वो यूट्यूब की फैमिली है, तो मेरी लंदन वाली फैमिली है, इनकी शेफ रुबीना है और ये हमारे साथ एक मिडिल में हमारी बहन बैठी हुई है। जी बाजी थोड़ा अपना तारुफ करवाएंगे आप। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ शाहीन, अक्सर आप मेरी यूट्यूब पे रेसिपीज वगैरह देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। अच्छी अच्छी देखते हैं, मेरी सिस्टर है शेफ रुबीना रेसिपीज, माशाल्लाह इनकी रेसिपीज भी बड़ी जबरदस्त है। माशाल्लाह हम आज जा रहे हैं बहरिया ऑर्चर्ड फेस 4 में, साथ आप रहिएगा और गाइड करते जाएंगे। सिस्टर मेरी लंदन वाली फैमिली के नाम से है जिनका आप ऑलरेडी चैनल देखते हैं। तो ये जी हम सब भी यूट्यूब फैमिली है, बट फैमिली है तो आवाज करके आपको अंदाजा हो गया अगर ये इतनी फेमस है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। और शेफ रुबीना जो है माशाल्लाह बड़े अच्छी टिप एंड ट्रिक शेयर करते हैं माशाल्लाह से जो है ना। फर्दर आपको और भी नए हमारे जो है वो आपको मिलेंगे, तो मैं आपको जो है ना इसके लिंक भी इंशाल्लाह जो है ना वो लिखूंगी। तो आप प्लीज मेरी सिस्टर को, इनके जो चैनल है, इनको प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा और देखिएगा जरूर, आप रियल इंजॉय करेंगे। अब हम जी ये रिंग रोड से हम लोग नीचे आ गए हैं, ये अड्डा प्लाट आई थिंक सो जी हाशिर, ये अड्डा प्लाट है ना, ये अड्डा प्लाट पे हम नीचे रोड पे हैं, आगे जाने लगे हैं जी। राइवल रोड से अड्डा प्लाट से हम नीचे उतरे हैं। तकरीबन हमें जब स्टार्ट किया था तो हमने माल से हम इंटर हुए थे और एयरपोर्ट रोड से, तो यहाँ तक की जो मुसाफत थी जो था वो तकरीबन 20-25 मिनट लगे थे हमें। और अगर आप उस साइड से आते हैं तो बहरिया जाने के लिए आपको रफली जो है वो 30-35 मिनट तक आप बहरिया ऑर्चर्ड में आप पहुँच जाएंगे जी। तो साथ रहिएगा और इंशाल्लाह जो है वो आगे भी आपको दिखाते हैं हम भी जी। फ्रेंड्स तो ये अड्डा प्लाट से हम जब नीचे उतरे हैं तो ये देख सकते हैं कि मज़ेदार किस्म के छोटे छोटे से आपको ढाबे नज़र आएंगे, छोटे छोटे ये जी लेक सिटी साइड पे हमारे आ चुकी है, सॉरी ये गुजर गई है, तो इस साइड पे आपको छोटे छोटे से है वो आपको ढाबे मिलेंगे खाने पीने के, छोटे छोटे से आपको जो है कैफ़े वो नज़र आपको आएंगे। और यहाँ पर आपको फ्रूट्स के और ये मट्टी के क्ले के बने हुए आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे ये मिलेंगे कुछ। अल कबीर आ गया है इस वक्त, हम लोग जी अल कबीर टाउन के बिल्कुल बाहर से गुजर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सी सोसाइटीज़ हैं तो ज़रूर विज़िट करें अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से पाकिस्तान में आप कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं लाहौर में, तो आप डेफिनेटली यहाँ पर विज़िट करें, आपको बहुत अच्छा कुछ ना कुछ पैकेज मिल ही जाएगा इंशाल्लाह। तो ये जी इतिहाद के कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स आप देख सकते हैं, बिल्कुल अगर आप नहीं बाय करना चाहते हैं तो आप विज़िट करें वैसे ही, तो बड़ा अच्छा है। एक लॉन्ग ट्रिप जो होगी वो आपको, आप उसको इंजॉय करेंगे बच्चे भी फैमिली भी। ये डिफरेंट तरह की सोसाइटीज यहाँ पर बन रही हैं, कुछ फैक्ट्रीज भी हैं यहाँ पर। फ्रेंड्स तो इस वक्त हम लोग बहरिया ऑर्चर्ड फेस 1 के बाहर से हम गुजर रही हैं, आप देख सकते हैं यहाँ भी काफ़ी डेवलपमेंट हो चुकी है, लेकिन इनकी जो
बहरिया का, वो आपको फेज़ टू में मिलेगा और वो भी इसके बिल्कुल साथ ही है। फेज़ वन के बिल्कुल अगर आप ऑपोजिट देखें थोड़ा सा आगे जाके, तो आपको यहाँ पर फेज़ थ्री भी इन्होंने जो लॉन्च करवाया वो भी आपको मिल जाएगा। ये आइकॉन विलास के नाम से जी, ये भी एक सोसाइटी है, ये भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर भी काफ़ी जो है वो रिहाइश के हो चुकी है, लोग आते हैं, लोग यहाँ पर रह रहे हैं, डेवलपमेंट काफ़ी हो चुकी है। आइकॉन विलास के नाम से है, ये देख सकते हैं आप। ये जी अभी यहाँ से जो है आप ये देखिए कि साथ ही जो है वो फेज़ थ्री जो है ये बहरिया का फेज़ थ्री, ये आप देख सकते हैं। फेज़ फोर जो है ये आप देख सकते हैं, और ये जी फेज़ टू में हम देंगे जी, फेज़ टू में हम अंदर होंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर हम लोग एक ज़रूरी काम है वो करने हैं, और साथ में हम आप लोगों को विज़िट करवाएंगे। और बड़ा अच्छा इनका सिस्टम है सिक्योरिटी के हिसाब से, सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद होते हैं। उनकी जो इंटरेस्ट है वो भी बहुत अच्छी है। डेवलपमेंट हो चुकी है, यहाँ पर इनका प्राइवेट स्कूल भी है और बच्चों के लिए बड़े अच्छे पार्क, और काफ़ी अच्छी जो है इन्होंने जो है ना वो डेकोरेशन जो है वो बहुत अच्छी है। ये शुरू में ही आपको जहाँ यहाँ पर जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं जो स्टेट हैं वो आपको मिल जाएंगे, और आप उनसे जो भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं वो आपको मिल जाएगी। साथ ही रहें इंशाल्लाह, और भी आपको विजिट करवाते हैं जी। फ्रेंड्स अभी हम लोग बाहर निकले हैं फेज़ टू में, और आप देख सकते हैं कि क्या खूबसूरत किस्म का व्यू है। ये देखें, ये इनकी बिल्कुल मेन एंट्रेंस है, और हम लोग इंटर हुए थे तो बाहर निकल के मैंने कहा मैं आपको ज़रा थोड़ा सा इसका विज़िट करवा दूँ। और आप देख लें खूबसूरत किस्म की इनकी रोड्स बनी हुई हैं। फ्रेंड्स तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही फेज़ टू में आप इंटर होंगे आपको साथ ही प्रॉपर्टी की कुछ डीलर्स की शॉप्स नज़र आएंगी, और यहाँ पर आपको खाने के लिए जो है ना वो बड़े अच्छे रेस्टोरेंट आपको नज़र आएंगे, छोटे छोटे से जूस कॉर्नर, कुछ ग्रोसरी की शॉप्स भी आपको मिल जाएंगी। तो डोंट वरी अबाउट कि आपको सहूलतें यहाँ पर खाने पीने की हैं या नहीं, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको जो दिखा रही हूँ आप देख सकते हैं कि थ्रू आउट ये कम्प्लीट एक मार्केट बनी हुई है जिसमें आपको हर तरह का जो है वो आपको नज़र आएगा। खाने यहाँ पर है फ्रेश नान, टिक्का, बारबेक्यू और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप खाना चाहते हैं यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, इनसाइड सब कुछ मौजूद है। ये फेज़ टू का मैं आपको बता रही हूँ। फेज़ फोर के अंदर भी एग्जैक्टली इसी तरह से है, और आप यहाँ पर जब आएँ तो एग्जैक्ट सेम आपको जब आप डेवलपमेंट होगी और आने वाले सिक्स मंथ और वन ईयर तक सेम ऐसा ही वहाँ पर इंशाल्लाह होगा, और आपको पता चलेगा कि कितनी जो है ना वो बेहतरीन किस्म की आपने इन्वेस्टमेंट की है। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर आप हर चीज़ अवेलेबल है, किस किस्म का ये जो है वो एक सेटअप है। चलें बच्चे कह रहे हैं हम कुछ खाना चाहते हैं, तो देख लीजिए कि बच्चों को मैं क्या लेके देती हूँ। लेट्स सी, पहले मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि मैंने बच्चे जो है वो हमने क्या खाना है। साथ रहिएगा फ्रेंड्स। देख सकते हैं मैंने जी बिरयानी ऑर्डर की है, और अरहम जो है वो बिरयानी खा रहा है। अरहम जरा आप मुझे बताओ कि बिरयानी कैसी है? अच्छी है, आपको अच्छी लगी है मरियम? बहुत अच्छी है जी। और मैंने अभी टेस्ट के लिए सिर्फ शामी कबाब ऑर्डर किए हैं, साथ में नान है। तो देखें जी अभी ये कैसे हैं, तो
जरा इसको जी टेस्ट करके देखिए, साथ में उन्होंने रायता और सलाद दिया है। प्राइस बहुत रीज़नेबल है, बहुत रीज़नेबल है। आपको जो है ये शॉप है इनसे मैंने ऑर्डर किया है, ये बिस्मिल्लाह सिंधी बिरयानी शॉप, 100 की आपको हाफ प्लेट मिलेगी बिरयानी की, 30 का आपको ये शामी कबाब मिलेगा, और नान जो प्राइस है वो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये चेक किया था मैंने, वेरी नाइस मज़े का है। तो मैंने ड्रिंक ऑर्डर किए हैं, बच्चे खा रहे हैं, अब मैं भी खाने लगी हूँ। ओके फ्रेंड, तो आइए तो साथ ही आपको आगे मतलब आपको बताती हूँ। जी फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं कि हम लोग अभी खाना खाया हमने और अब हम बाहर आए हैं। बड़ा अच्छा था खाना, बड़ा मज़ेदार था। तो ये साथ ही मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊँ कि जैसे आप लोग यहाँ पर जितनी भी शॉप्स हैं आप इनके अंदर आप जब इंटर होंगे तो यहाँ पर जगह जगह जो है ना वो छोटी छोटी एलीज बनी हुई हैं जहाँ पर वॉशरूम और हैंड वॉश का इंतज़ाम है, और बड़ा अच्छा नीट एंड क्लीन है। और ये देखें जी, ज़बरदस्त किस्म का एक व्यू है, ये देखें जी, खाने पीने का इंतज़ाम, जूस कॉर्नर्स, एवरी सिंगल थिंग आपको यहाँ मिल जाएगी। यहाँ पर बच्चों का ये पार्क है आप देख सकते हैं, और अभी हम वहाँ जाएंगे भी, मरियम कह रही है। तो आप जो है ना वो ये देखें यहाँ आएँ और विज़िट करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। ये जी हम लोग इस वक्त, मैं रिपीट बता दूँ कि बिहारी ऑर्चर्ड फेज़ 2 में हम लोग मौजूद हैं। चलेंगे साथ रहें, आगे भी हम आपको बताते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी फ्रेंड्स, आप देखें कि ये जो पार्क है इसका मैं आपको विज़िट करवा रही हूँ। बच्चे मेरे आ चुके हैं, बहुत एक्साइटेड थे कि हमने पार्क में जाना है। तो आप ये देख सकते हैं कि खूबसूरत किस्म का मिडल में उन्होंने एक पार्क बनाया हुआ है, इससे आगे जो है उन्होंने ज़ू भी बनाया हुआ है, वो भी बहुत अच्छा है। और ये देखिए जी, फैमिलीज़ यहाँ पर मौजूद हैं, बच्चे खेल रहे हैं। सामने आपको मॉस्क भी नज़र आएगी, ज़बरदस्त किस्म का साफ़ सुथरा माहौल है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। फेज़ 2 फुली डेवलप है, और फेज़ 4 अभी डेवलप नहीं हुआ, लेकिन आने वाले टाइम में वो भी हो जाएगा। मैंने जो लिया है वो फेज़ 4 में मैंने इन्वेस्टमेंट की है, बहुत अच्छे हैं वो भी। और मुझे पर्सनली वो ज़रा, क्योंकि वो नहीं है सोसाइटी, उसमें जो है अभी रोड जो है वो काफ़ी खुली खुली हैं, लेकिन वो भी एज इट इसी तरह है, बहुत अच्छा है, साफ़ सुथरा है, पीसफुल है। तो इनके अपने ही स्कूल्स हैं, मॉस्क हैं, हॉस्पिटल, शॉप, सब इनसाइड आपको मिलेगा। आने वाले टाइम में यहाँ आपको ऑल ब्रांड जितने भी हैं लेडीज़ के लिए वो आपको यहाँ पर वो भी मिलेंगे। तो आप आएँ और ज़रूर विज़िट करें। फ्रेंड्स, तो ये फेज़ 2 के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हॉस्पिटल भी, इनका बहरिया का जो है हॉस्पिटल भी है इनसाइड। और ये आप देख सकते हैं 10 मरला के जो है ये प्लाट हैं, और घर तकरीबन यहाँ पर बन चुके हैं, कुछ बन रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। वेरी पीसफुल एरिया, ब्यूटीफुल, आई लव टू स्टे हेयर, और मुझे पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया फेज़ 2 जो क्योंकि डेवलप हो चुका है। तो आने वाले टाइम में जो इनका फेज़ 4, 3 वो भी इसी तरह डेवलप होगा और इसी तरीके से बनेगा। ये जो आप ग्रीन एरिया देख रहे हैं, ये ग्रीन एरिया जी बहरिया वाले आपको देते हैं ताकि आप अच्छे अच्छे खूबसूरत से जो है वो यहाँ पर आप लगाएं, फूल लगाएं। और ये देखिए जी, ये इनका हॉस्पिटल है, बहुत अच्छा है रिहाइश के एतबार से, स्कूल्स बहुत अच्छे हैं, और आप यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छी है, कोई आपको वायर नज़र नहीं आएगी। ग्रीनरी ज़बरदस्त व्यू, ग्रीनरी भी बहुत ज़्यादा है। तो इसके साथ फ्रेंड्स, मुझे दें इजाज़त, बल्कि इजाज़त नहीं, अभी आपको जाते जाते ना फेज़ 4 का भी एक विज़िट करवाते हैं, तो फिर आप देखिएगा कि उसमें जो है वो क्या है। अभी खैर वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि वहाँ पर डेवलपमेंट इंशाल्लाह आने वाले कुछ टाइम में, साल में 6 महीने में आपको वो भी नज़र आ जाएगी। और ये देखिए, ओके जी, साथ ही जब देखा आपको और वीडियो जो है मैं इसके साथ ही अटैच करती हूँ फेसबुक की, अभी हम वहाँ जाते हैं। तो
फ्रेंड्स, इस वक्त हम लोग बहरिया फेज टू से बाहर जा रहे हैं और हम जा रहे हैं फेज फोर में। ये देखें जी, फेस फोर है बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। तो हम बाहर आ गए, अब हम फेस फोर में जाएंगे जो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। मैं आपको भी दिखाती हूँ, ये आप देख सकते हैं ये सामने, ये देखें जी फ्रेंड्स। तो अभी ये देखिए जी, ये हम लोग फेस फोर में इंटर हो गए हैं, बहरी ऑर्चर्ड फेस फोर। शाम हो चुकी है, यहाँ पर भी जो है ना वो आप देख सकते हैं कि काफी हद तक शॉप्स स्ट्रीट लाइट ऑन हो चुकी है, ये देख सकते हैं आप। देखें जी, एक घर जो है वो वहाँ पर भी बन रहा है, तो इंशाल्लाह आने वाले 6 महीने या साल में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट इंशाल्लाह हो जाएगी। तो इसके साथ जी मुझे दे इजाज़त, इंशाल्लाह एक नए वीडियो के साथ दोबारा आपसे मिलूँगी। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़। वी आर इन बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 एंड दिस इज G56। Going back out, back home to the main entrance, phase 4 and upper Jari. You can see कितने खुले road हैं, so void road. तो जो layout है सारा कुछ बन गया, plotting हो गई है। अभी वो सड़क तो तैयार है।